अभी हम है डिंडोली साई पॉइंट पे। यहाँ पे हम यहाँ से गुजर रहे थे, ये रास्ते से हम यहाँ पे सिग्नल पे खड़े थे, अचानक से एक गाड़ी आती है, ब्लैक कांच वाली, पूरी ब्लैक कांच वाली गाड़ी है, और हमारे बीच में गाड़ी इन लोग पुलिस वाले थे, जिनके गाड़ी थे यहाँ पे टैग लगाया था पुलिस का, ये बीच में गाड़ी डाल देते हैं क्योंकि हम पुलिस में है तो हमको कुछ कानून वगैरह लगेगा नहीं। GJ5JM7390 इस गाड़ी का नंबर है। फिर इनकी गाड़ी रोकी गई, फिर हमने इनके डॉक्यूमेंट मांगे तो इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं थे फोन के अंदर। हमने ASIG को कंप्लेन की है, उन्होंने बोला है कि उनके PIC आ रहे अभी, ऑन द वे है। ए भाई गाड़ी चला रहे थे, जिनके पास से डॉक्यूमेंट मांगा गया तो उनके पास हाजिर में एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है अभी। चाहे गाड़ी काली कांच वाली रखो, वो अगर आपको नहीं याद है कि कानून है कि काले कांच वाली गाड़ी नहीं रखनी है, वो चलेगा, लेकिन जो कानून है वो आपको याद नहीं रहेगा कि अभी हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, PUC चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वो सब कानून हमको याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पुलिस में हैं, हम पुलिस में हैं तो हमको कानून याद रखने की जरूरत नहीं है। कानून का पालन किसको करना है? कानून का पालन सिर्फ और सिर्फ जाहिर जनता को करना है। जाहिर जनता ही इस सब कानून में पिसने के लिए बनी है, इन सभी को अपनी मनमानी चलानी है। अभी अंदाजित यहाँ पे मैं हूँ, इसकी 20 मिनट हुई है सर, 20 मिनट हुई है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन आ रहा है? उनका नाम क्या है आपके? काटे साई। ओके, इनका कहना है कि PIC अभी आ रहे हैं। मैं अभी 20 मिनट से यहाँ खड़ा हूँ लेकिन कोई आया नहीं, अभी तक एक व्यक्ति नहीं आया। ASIG आ रहे हैं। अगर जाहिर जनता की यहाँ पे गाड़ी होती तो क्या होता? जाहिर जनता की अगर यहाँ पे गाड़ी होती तो गाड़ी कब की सीज हो चुकी होती, 10-20 हजार का फाइन लग चुका होता और गाड़ी जमा भी हो चुकी होती। लेकिन क्योंकि पुलिस वाले की गाड़ी है इसलिए गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। ASI जो है, जिनको मैंने बुलाया था, वो राह देख रहे हैं कि उनके PI आए और वो कार्यवाही करे, क्योंकि इनसे कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था, ये गाड़ी चला रहा था वो पुलिस वाला था। तो अभी PIC को बुलाया, हम देखेंगे PIC आए तो कब क्या क्या कार्यवाही होती है, क्योंकि मैंने M परिवहन एप्लीकेशन वाला दिखा मुझे, मैं नंबर प्लेट M परिवहन ऐप में स्कैन की थी। ये गाड़ी का नंबर है GJ5JM7390। इसका इंश्योरेंस 2021 में खत्म हो गया, इसकी PUC नहीं है, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले पुलिस वाले हैं, तो ना ही इस गाड़ी में PUC की आवश्यकता है, ना ही इस गाड़ी में इंश्योरेंस की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम कानून के रक्षक हैं, हम खाकी पहनते हैं, तो हमको जरूरत नहीं होगी कानून का पालन करने की। सबसे पहली जिम्मेदारी एज एन पुलिस ऑफिसर की होती है कि सबसे पहले मैं कानून का खुद पालन करूं और फिर लोगों से करवाई। लेकिन यहाँ पे गुजरात में एक सिनारियो ही अलग है कि हमने काकी पहनी है तो हम तो कानून पालन नहीं करेंगे, सिर्फ कानून का पालन जाहिर जनता के पास करवाना है। इसका इंश्योरेंस नहीं है, इसका PUC नहीं है, पूरी गाड़ी में काले कांच है। जाहिर जनता की गाड़ी होती तो कब तक के काले शीशे निकल गए होते, लेकिन यहाँ पे काले कांच अभी तक नहीं हटवाए गए। उनके PA आएंगे, हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस होती। हम शांति से जा रहे थे, मैं पहले से ही बताऊंगी, मैं काम से यहाँ से गुजर रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी सिग्नल में यहाँ पे रुकी, यहाँ पे एग्जिट, और इन्होंने गाड़ी आई डायरेक्ट, गाड़ी बीच में डाल दी, मेरी लाइन के अंदर गाड़ी डाल दी, क्योंकि इनको ऐसा होगा कि जाहिर जनता में से किसी की भी गाड़ी है तो कोई भी मनमानी से गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी कट करके अंदर डाल दी, और यहाँ पे प्लेट भी लगी थी पुलिस की, इन्होंने लगाई थी, लेकिन वो प्लेट निकल गई, और ये थे वो गाड़ी के ड्राइवर। हमने पहले इंक्वायरी की तो उनको तो ये गाड़ी लेके निकल जाना था, क्योंकि उनको मेडिकल इमरजेंसी थी, मेडिकल इमरजेंसी में अगर कोई जाहिर जनता का इंसान होगा, उसके पास इंश्योरेंस नहीं होगा, लाइसेंस नहीं होगा, PUC नहीं होगा,
तो जाहिर जनता को बहुत सारी तकलीफ होती होगी। इतने सारे लोग यहाँ पे, भाई हमारे पास इंश्योरेंस पीयूसी सब ना हो तो क्या होगा? कितना दंड बढ़ेगा? 5,000-10,000 भरना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये अभी इस गाड़ी में अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पुलिस की गाड़ी है। हाँ, इसलिए नहीं होता। तकलीफ यही है कि सभी कानून का पालन सिर्फ हमको करना है, इन लोगों को कुछ नहीं लगता। इतने सारे लोग यहाँ, सभी को यही टेंशन है, यही दिक्कत है कि अगर हमारी गाड़ी हो तो 5 मिनट में जमा हो जाती है। 5 मिनट में 5-5, 10-10 का फाइन बन जाता है, अगर कागज नहीं है तो इनकी गाड़ी को अभी तक क्यों फाइन नहीं किया गया? अभी रात देखे जा रही है कि पीएसी आ रही है, देखते हैं पीएसी भी आ रहे हैं तो पीएसी आते हैं और क्या करते हैं। तकलीफ मुझे वही होती है कि चलो यहाँ पे गाड़ी लेके मैं जा रहा था, अगर कोई आम इंसान जाता होगा और ऐसे ही लोग कट मार के ऐसे बीच में गाड़ी डाल देते होंगे, और अगर वो इंसान एक भी शब्द बोलता ना तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता और अच्छी तरह से ठुकाई की जाती। क्योंकि हम कानून जानते हैं, मैं कानून जानता हूँ ना, इसलिए इन लोगों की बोलती नहीं चलती मेरे सामने। अभी 25 मिनट हो गया, 25 मिनट से ज्यादा समय हो गया, यहाँ पे कोई नहीं आया देखने के लिए। यही पुलिस वाले, इनकी गाड़ी है। हाँ 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 इनकी गाड़ी है, यही चला रहे थे, इन्होंने बोला है लिंबायत पे। हाँ सही बात है आपकी, और कुछ बोलना है तो भी बोलिए, बहुत बराबर बोल रहे, बोलिए। अभी मैं खड़ा हूँ। हाँ रुकना ही चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, रुकना ही चाहिए। धन्यवाद। अभी तक कोई नहीं आया, कुछ काम में है। आ गए है ना, तो उनको हाँ ठीक है, कर्मा तो सब कुछ देखता है ना, हम बोलते हैं ना ऊपर वाला है, ऊपर वाला तो ही वो सब कुछ देखता है, ऊपर वाले के वहाँ सब कुछ न्याय होता है। यहाँ पे तो ऐसे कहाँ से बच जाएंगे, और जो बच जाएंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे, चिंता की जरूरत नहीं है। अभी हम साई पॉइंट पे है, डिंडोली, और एक को भी छोड़ना नहीं है। बस ये लाइव करने का एक ही मोटिव है कि जाए जनता एटलीस्ट इन बेईमानों से, इन ऐसे करप्ट लोगों से मत डरिए। और मैं बेईमान और करप्ट क्यों बोलता हूँ आपको बताए, जो ईमानदार पुलिस वाला होगा ना ऐसी हरकत कैसे कभी भी नहीं करेगा, वो कानून को अपने सिर पे रखेगा, क्योंकि कानून से उसको पावर आता है, उसकी खाकी से उसको पावर आता है, और पावर वो जाहिर जनता की सुरक्षा के लिए होता है, जाहिर जनता के ऊपर मनमानी करने के लिए नहीं होता। जीपीएसी एडवोकेट मेहुल बोगरा, मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहा था, मैं यहाँ पे स्टॉप की मेरी गाड़ी, ये भाई पीछे से आया, गाड़ी के बीच में गाड़ी डाल दी, मैंने देखा तो इनकी गाड़ी में यहाँ पे पुलिस का टैग लगा हुआ था, जिन्होंने इन भाई ने उतार दिया। मैंने गाड़ी साइड में लगाई और एएसआई जी को बुलाया, इन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, इनसे इनके पास से मांगे, इनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मैंने एम परिवहन में एप्लीकेशन में देखा, इसका इंश्योरेंस भी नहीं है, इसका पीयूसी भी नहीं है, और दूसरा कि पूरी काले कांच वाली गाड़ी है, तो सस्पिशियस है। ये गाड़ी की चेकिंग भी होनी चाहिए, काले कांच निकलने भी चाहिए, जो पीयूसी इंश्योरेंस इनके पास नहीं है उसका दंड लेना चाहिए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके ले लीजिए। पीएसी आए केएल गाधे नाम है इनका, उनको हमने सब सारी बातें बताई कि इनमें क्या क्या इंफ्रिंजमेंट कानून का है,
काले काच है, इंश्योरेंस नहीं है, पीयूसी नहीं है, काले काच हटाया जाए, गाड़ी की चेकिंग की जाए कि गाड़ी में सस्पिशियस क्या है कि काले काच की जरूरत है, और जो भी डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है इन सभी चीजों का इनके पास से दंड वसूल किया जाए। इतनी हमने रजूआत की है, अभी मेमो भी बुक उन्होंने मंगाई है और देखेंगे कि कितना फाइन होता है, क्या प्रोसेस होती है, जो जाय जनता के साथ होता है यही प्रोसेस पुलिस के साथ भी होता है। आप कौन से पुलिस स्टेशन में, पांडेसरा पुलिस स्टेशन में, आपकी रैंक क्या है, कॉन्स्टेबल है, आपका नाम क्या है, विनोद भाई, इनका कहना है भाई की पोस्टिंग वहां पे, हाँ तो इन भाई की पोस्टिंग है, कॉन्स्टेबल है विनोद भाई इनका नाम है, और गाड़ी में चलो साइड में आ जाओ सभी, रिक्वेस्ट साइड में आ जाइए, सभी साइड में आ जाए। चलो मेमो बुक उन्होंने मंगवाई है और देखते हैं कि कितना दंड होता है, और दंड तो हम करवा के रहे हैं, ले लो फोटो, कोई बात नहीं, धन्यवाद। तो जो भी कानून का इंफ्रिंजमेंट करेगा ना उनको इक्वली पनिशमेंट होती है। आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कहता है कि सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलता है, यानी कि कानून सबके लिए समान है, कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून राजाओं का भी राजा है, ऐसा संविधान में किया गया है। तो ये लोग अपने आप को संविधान के ऊपर समझते हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। चलो आप सभी से कॉमन क्वेश्चन है, हमारी गाड़ी होती तो क्या होता, हाँ जी काले काशी से उतर जाते हैं, तो हाँ जमा हो जाती ना, तो हाँ राइट, सही है। तो जो प्रोसेस हमारी गाड़ी के साथ होती है ना वही प्रोसेस इनकी गाड़ी के साथ होनी चाहिए। और स्पेशल प्रिविलेज देखिए मैं दिखाता हूँ, स्पेशल अगर जनता होती ना तो इनसे दूर भागती, क्योंकि सुनिए स्पेशल प्रिविलेज देखिए कि क्योंकि ये पुलिस में है तो इनका साथी उनके साथी खड़ा है, भले कानून का कितना ही इम्प्रिंटमेंट करा हो लेकिन पीएससी के साथी वो खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कानून का इम्प्रिंटमेंट करा है तो उसके पास से पेनल्टी वसूल करनी है, लेकिन उसको साथ में खड़ा रखना है, और जो भी प्रोसेस हो जनता के साथ नहीं खड़ा होगा लेकिन वो पुलिस वाले के साथ, क्योंकि वो प्रोटेक्टर है, एक दूसरे के भाई है, एक दूसरे को बचाना है, लेकिन बचा लीजिए कब तक बचाएंगे हम भी देखते हैं। धन्यवाद। मेमो बुक आएगी क्योंकि ये ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, ये लाइव चालू है, हाँ तो अब काम खत्म हो ना, इनका फाइन ले लीजिए, मैं भी छुट्टा हो आप भी फ्री हो, ओके धन्यवाद। बस किसी को भी कानून के हिसाब से नहीं चलना है, तकलीफ वही पे है। ओके चलान बुक आ गया है और अभी चलान होगा तो हम देखेंगे क्या चलान होता है। चलान हो रहा है, चलो बद्दा रोड से आ साइड आई जाओ, रिक्वेस्ट बद्दा, धन्यवाद।
साहब। पीएचडी अच्छा काम करते हुए खुद अपने हाथों से ही चालान बनाए। શું મેમો બનાવો છો? બ્લેક ફિલ્મ નો મેમો, ઓકે। પછી अभी ब्लैक फिल्म का मेमा बनाए 500 का और ओके पछी तो आप इनको बचा रहे हैं तो इनका पीयूसी बीमा आपने देखा? हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, सभी का लीजिए है ना। इनके पास पीयूसी भी नहीं है, इनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है गाड़ी का। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जाय जनता का होता है वैसे ही कीजिए। पुलिस में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून के ऊपर कोई नहीं है। पीयूसी नदी उसका 500 होता है और इंश्योरेंस का 2000 होता है। एक नंबर टोटल हुआ 3000। फाइन की अमाउंट 3000 का फाइन हुआ है, पीयूसी का हुआ है, ब्लैक फिल्म का हुआ है और इंश्योरेंस नहीं है उसका हुआ है। तो काला काच तो नहीं, वो निकलेगा ही, ब्लैक काच तो निकलना ही है। अब आपसे दूसरी ये रिक्वेस्ट है कि जाय जनता की अगर ब्लैक काच वाली गाड़ी हो तो काले काच निकलते हैं, ठीक है? इनके भी उनको चेक कीजिए कि इसको क्यों जरूरत है काले काच रखने की। इनकी डिक्की चेक की जाए, इनकी रियर सीट दिखी जाए और सीट के नीचे दिखा जाए कि कोई सस्पिशियस थिंग नहीं है, ठीक है? देख लीजिए। चलो भाई गाड़ी को चेक करने के लिए सब साइड में हो जाए। चलो सीट के कवर वगैरह देखिए, देखिएगा। ओके अगर कुछ सस्पिशियस दिखे तो इन्फॉर्म कीजिएगा। ओके जी ब्लैक। हाँ वो रही प्लेट। एहुल भाई की पावर कॉल किंग इज सूरत। एहुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एहुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एहुल भाई आगे बढ़ो, एक मिनट एक मिनट, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट गाड़ी की एक बार पाछा हट जाओ भाई, पाछा हट जाओ और गाड़ी की डिक्की देख लो। चलो पीआईसी को देखने दीजिए, हम नहीं दिखेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। राहुल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
चलो ओके क्लियर चलो निकाल दो चलो अभी ब्रेक फिल्म निकल रही है इनकी सभी अभी ये जो गाड़ी थी जो हमारी गाड़ी को कट मार के डायरेक्टली एक्सीडेंट हो इस वे में आई मुझे तो पहले ही सस्पिशियस था गाड़ी चेक करवाई उसमें ब्लैक फिल्म थी पुलिस का टैग लगाया था पीयूसी नहीं थी इंश्योरेंस नहीं था तो उनका टोटल 3,000 फाइन भरवाया और गाड़ी के काले शीशे अभी निकल रहे हैं हट रहे हैं काले शीशे चलो इनको जाना है तो अब जाने दो कोई बात नहीं अभी ये तो निकल लेंगे चलो धन्यवाद चलो इनको जाने दो गाड़ी वापस आने दो धन्यवाद पीएस जी आपने सपोर्ट किया थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद सभी जनता का आभार धन्यवाद और कहाँ पे भी सुनिए 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 कहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आपका भाई समझ के मुझे याद कीजिएगा इसी से भी किसी एक मिनट किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है हमको कानून का पालन पहले करना है और कोई कानून का पालन नहीं करता चाहे वो कोई भी हो पुलिस हो नेता हो कोई भी हो तो उनके पास भी करवाना